are starting a new series, and this time this is Gajapati. So we are going to visit a new place like Mahendragiri, Jirang, Mankatiya waterfall, BN Palace, and much more. So we have started our journey, and it's right now it's 3:30, and we have left Jaipur now. So we'll be traveling today around like 300 kilometers to reach our first destination, that is Mankatiya waterfall, which is in Gajapati and Ganjam border. So stay tuned, guys. This is going to be an exciting trip, and I'm pretty sure you will love it. Now we are crossing Koraput, and we are starting the ghat road to Raigada, and the beauty is amazing. We will try to show this beauty through drone shots and obviously, you know, the background, but yeah, it's an amazing trip right now. Tira bogdai jo awa ma timi farkino herikona orali ukali gardai taraliera chotu bhayeko mana jindagi cha anauto thaini tara jivan ma chandai rairanga man ma lagyo timro tira. आज हम जा रहे हैं जिरांग. सो जिरांग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी तिब्बत ऑफ ओडिशा बिकॉज वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है. फिर वहाँ पे हम लोग मॉन्क्स को देख सकते हैं उनके ट्रेडिशनल अटायर में. सो हम लोग सुबह सुबह निकले पार्ला खिमडी से, एंड जिरांग करीब 70 किलोमीटर्स है. सो डायरेक्ट रोड है, एनएच है, तो आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. करीब 1 आवर लगा हमको पार्ला खिमडी से जिरांग पहुँचने के लिए. एंड पहले वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे मोनास्ट्री देखेंगे, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे नेचर बहुत ही मतलब सिंस मॉन्क रहते हैं, नेचर को आप फील कर सकते हैं, बहुत एक पीस मोमेंट रहता है वहाँ पे. तो पहले वहाँ पे जाएंगे हम लोग, वहाँ का व्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मांकटिया वाटरफॉल जो कि जिरांग से ऑलमोस्ट लाइक 13-14 किलोमीटर्स ही है. एंड उसके बाद का हम लोग देखते हैं, आज अगर टाइम होता है तो हम लोग महेंद्रगिरी माउंटेन को भी जाएंगे, या फिर नहीं होता है तो कल जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. प्रतीक, हाउ इज द जोस? 50 किलोमीटर है ना? मैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से गया, अराउंड 7-8 किलोमीटर से. इतने घाट रोड नहीं, उस वक्त शार्प टर्निंग हो रही है. शार्प टर्निंग है. लोकसभा में पार्लर कंसर्न 7 किलोमीटर लिखा ही छेड़ी ये रोड. कौन दाउचो यार जीरा? यार जीरा. गाइस वेलकम टू जिरांग. Where I can free my mind, I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place. Same watching the Asur series dekh lagi. So guys, welcome to Jirang, and finally we have reached Jirang. So this place is also called as Padmasambhava Mahavihara, and this is the largest monastery in the eastern India. So right now this is closed because the visiting hours in the morning is 8 a.m. to 12 p.m. and in afternoon it starts from 2 p.m. to 5 p.m. So we have come like around 12:30, so that's why this is closed. But we will be visiting a waterfall nearby which is also known as Khasada waterfall. And then we'll be having our lunch, and then we will be back by 2 p.m. So guys, अभी हम खसड़ा waterfall पहुंच गए हैं, and यहाँ पे बहुत ही कम पानी है because ये अभी हम peak summer में आए हैं. Basically हम लोग जिरांग monastery गए थे. जिरांग monastery तो अभी बंद है जो कि उनका visiting time है सुबह 8 बजे से 12 बजे, and then 2 बजे से 5 बजे.
तो यहाँ पे सिर्फ 2 किलोमीटर के दूर में एक वाटरफॉल था, तो हमने सोचा कि इसको भी कवर कर लें। पानी तो अभी बहुत कम है, पानी मैला भी है एंड यहाँ पे इतना ठंडा भी नहीं है। कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में आप जितने भी वाटरफॉल्स चले जाओ पानी ठंडा ही मिलेगा आपको। तो इतना इतना धूप है, अभी फ़िलहाल करंट टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि पानी तो यहाँ पे रहता होगा, बट पीक अगर बारिश के टाइम पे आएंगे तो ये पूरा कवर्ड रहता है। मैंने इसका ड्रोन शॉट देखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है बट ऑब्वियसली बारिश के टाइम। यहाँ पे बैक साइड में आप देख भी सकते हैं वो मोनास्ट्री के फ्लैग्स लगे हुए हैं। सो ऑब्वियसली बिकॉज मोनास्ट्री बहुत पास है तो फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। सो इसके बाद हम लोग जाएंगे मोनास्ट्री, देन वहाँ पे थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे बहुत पीस मिलता है एंड तो वहाँ पे जाएंगे। प्रतीक, तो व्हाट यू थिंक अबाउट द मोनास्ट्री, कैसा लगा जाके? जाने के बाद पता चला this is inside of the monastery, as you can see. So behind me is the temple, like this is the temple, और यहाँ पे गौतम बुद्धा का एक सबसे बड़ा स्टेचू है। सो ये जो मोनेस्ट्री है इसको श्री द दलाई लामा 14th दलाई लामा ऑफ द तिब्बतियन उन्होंने इनोग्रेट किया था 2010 को। सो बेसिकली क्या हुआ था, 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, वहाँ से 85,000 तिब्बतियंस अलॉन्ग विथ द दलाई लामा वांटेड टू सीक शेल्टर इन इंडिया। सो 6 जगह को चुना गया जहाँ पे मोनेस्ट्री बनाया गया है एंड ये उनमें से एक है। सो इसका जो फाउंडेशन स्टोन 2003 में डाला गया एंड ये 2010 में कंप्लीट हुआ है ये बिल्डिंग। सो बेसिकली ये टेंपल है। सो ये है मेन टेंपल ऑफ द मोनेस्ट्री जहाँ पे गौतम बुद्धा का स्टेचू है एंड आज हम वीकडेज पे आए हैं इसलिए बहुत कम लोग हैं इधर एंड मतलब आज क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है तो व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। So guys, while going towards Mankade waterfall, we came across another monastery and its name is Nedo Kagyu Monastery, as you can see. So this is the second location, which is the second temple at the Jirang, and as you can see behind me there are prayer wheels which you have to turn clockwise so to purify your karma, and this is done as part of the meditation. And this is believed that if you do this with a proper, you know, like mindset, your karma will be purified.
So guys, this place is also called as Fun Songkhling, which in Tibetan translates to land of happiness and plenty. So yahan se abhi hum jayenge Mahendragiri, and from there we'll be doing a night camp there, and kal subah hum log wapas niklenge. So that's it from today's vlog guys. I hope to see you super soon, and I really hope that you have enjoyed this vlog. Bye. So guys, welcome to Ripa Guest House. Our stay for the day 2. Hi Pratik. ये हमारा दोस्त प्रतीक, biology expert. Last vlog में तो आप देखे ही होंगे. So मैं आपको stay दिखाता हूँ आज रात का. हमको मिला है room number 102 of the Ripa Guest House. Room तो बहुत ही अच्छा है, बहुत spacious है, but यहाँ पे AC नहीं है. गजपति में average temperature 35-40 रहता है, but हमको तो आज के लिए adjust करना पड़ेगा. सो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जिरांग ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब और वो बेल बटन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा. सो कल मिलते हैं नया दिन में, थोड़ा एक्साइटमेंट है बिकॉज कल हम जा रहे हैं महेंद्रगिरी. सो मैं मिलता हूँ आपको महेंद्रगिरी पीना है.